बाल्यकाल में गुरुकुल में निवास कर और गुरुदेव की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। देवराज इंद्र की कन्या जयंती से इनका विवाह हुआ और जयंती के गर्भ से ही अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र इन्होंने उत्पन्न किए और उन 100 पुत्रों में से महायोगी भरत सबसे अधिक और सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा गुणवान थे। भरत जी, उन्हीं भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले हमारे इस देश को अजनाब खंड कहते थे, अजनाब खंड, और जब से राजा भरत का राज्य स्थापित हुआ तब से इस देश को भारत देश कहा जाने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भरत ने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र हुए और फिर 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उचित समय पर भरत ने अपनी वंश परंपरा को 5 पुत्रों में बांट दिया और स्वयं राजमहल से निकलकर पुलहाश्रम आश्रम चले गए। एक दिन राजा भरत गंडकी नदी के किनारे भगवान का ध्यान कर रहे थे कि उसी समय उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। राजा भरत ने देखा कि एक गर्भिणी हिरणी दौड़ती हुई आ रही है और एक सिंह उसके पीछे लगा हुआ है। राजा भरत इस दृश्य को देख रहे थे। दौड़ी दौड़ी वो आई हिरणी और बीच में नदी पड़ रही थी। उसने नदी पार करने के लिए ज्यों ही छलांग लगाई उसी समय शेर की दहाड़ से उस गर्भिणी हिरणी का गर्भ निकलकर नदी में गिर गया। हिरणी तो उस पार पहुंच गई, उस पार पहुंचते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब भरत जी ने देखा कि हिरणी का वो छोटा सा बच्चा नदी में डूब रहा है, दौड़े भरत जी और जाकर उसे हिरणी के बच्चे को नदी से बाहर निकाल करके ले आए। लाकर आश्रम में भरत जी विचार करने लगे कि अरे, अब तो इसके जीवन में कोई नहीं है, इसका पालन पोषण भरण पोषण कौन करेगा। ये सोचकर और भरत जी उस हिरणी के बच्चे का पालन पोषण करने लगे। धीरे 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 धीरे, हिरणी का बच्चा था ना, चंचल था, एक जगह टिकता नहीं था। भरत जी का जप तप ध्यान सब कुछ छूट गया। क्यों? क्योंकि भरत जी को उसे हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया भरत जी को उसे हिरणी के बच्चे से कि भरत जी उसके बगैर रह ही नहीं पाते। एक समय की बात, भरत जी वन में गए हुए थे कि उसी समय देव योग से भरत जी की कुटिया के आगे से एक बहुत बड़ा हिरणों का झुंड निकला। जब उसे हिरणी के बच्चे ने उसे हिरणों के झुंड को देखा, देखकर वो मन में विचार करने लगा कि अरे, ये तो मेरे जैसे ही दिखते हैं, अरे ये तो मेरे ही कुल के हैं, ये तो मेरे ही वंश के हैं। वो सोच ही रहा था कि उसी समय एक हिरणी आई और आकर उसने उस हिरणी के बच्चे को चाटना शुरू कर दिया। ज्यों ही उस हिरणी के बच्चे का स्पर्श, हिरणी के बच्चे को हिरणी का स्पर्श मिला, उसी समय उसके संस्कार जागृत हो गए और वो हिरणी का बच्चा छलांगे भरते हुए उस झुंड के साथ विदा हो गया। थोड़ी देर बाद भरत जी आए। भरत जी ने कुटिया में देखा, हिरणी का बच्चा उन्हें कहीं नहीं मिला। इधर उधर पागलों की तरह भरत जी उस हिरणी के बच्चे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हिरणी का बच्चा उन्हें नहीं मिला। हिरणी के बच्चे की नहीं मिलने के कारण भरत जी व्याकुल रहने लगे। भरत जी का इतना मोह उस बच्चे से हो गया कि भरत जी ने खुद ने खाना पीना सब छोड़ दिया और उस हिरण के बच्चे का चिंतन करते 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 भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। अंतकाल में भी रहा मृग शावक का ध्यान और पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। अंत मतासो गता, अंत समय में मनुष्य की जैसी वृत्ति होती है ना, अगला जन्म उसे उसी योनि में मिलता है, ध्यान रखना। भरत जी ने हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते अपने प्राण त्यागे और भरत जी अगले जन्म में हिरण बन करके आए। लेकिन पूर्व जन्म के तप के कारण, पूर्व जन्म की साधना के कारण हिरण जी को अपना, भरत जी को अपना पिछला जन्म याद था, इसलिए हिरण होते हुए भी भरत जी
किसी मोह माया में नहीं पड़े, किसी मोह माया में। बस दिन भर भगवान का चिंतन करते, थोड़ा बहुत घास चर लेते और बस सूर्य के सामने देखकर भगवान का सूर्य मंडल में ध्यान करते। ध्यान करते 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 भरत जी ने उस हिरण योनि को पार किया, हिरण का शरीर छूटा और परमात्मा की कृपा से भरत जी को तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में मिला। ब्राह्मण के घर में भरत जी ने जन्म लिया। भरत जी के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा से पिछले दो जन्मों की स्मरण शक्ति भरत जी के भीतर थी। पिछले दोनों जन्म भरत जी को याद थे। एक बात ध्यान रखना, हम जिन जिन योनियों में जन्म लेकर के आते हैं ना, आप और हम सभी, उनका स्मरण हमें सदैव रहता है, सदैव। ऐसा कभी होता ही नहीं कि हमें हमारी याद न रहे। लेकिन हाँ, इस संसार की मोह माया के कारण और इस संसार के रिश्तों में उलझने के कारण हम अपना निज स्वरूप भूल जाते हैं। सभी को याद रख, कभी देखना, इस बात का प्रमाण मैं आपको देता हूं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, महीने का, दो महीने का, तीन महीने का, छह महीने का बालक है, उस बालक को कभी जब वो नींद ले रहा होता है तब गौर से देखना, गौर से। वो बालक नींद में ही कभी तो एकदम क्रोध से यूं आंख फैलाता है और कभी नींद में हंसता है, कभी नींद में रोता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है। समझ लेना कि उसे अपनी पूर्व जन्म की घटनाएं याद आ रही है। हमें भी याद आती है, याद हमें भी, कई बार हमें ऐसा नहीं लगता कि अरे ये चीज मेरे साथ पहले कहीं ना कहीं हो चुकी है, लगता है ना। कई बार कोई दृश्य, कभी स्वप्न में कोई दृश्य दिखता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये पहले कहीं ना कहीं हो चुका है, अवश्य रूपेण हो चुका है। लेकिन इस संसार की वासनाओं के कारण और इस संसार के रिश्तों को अपने हृदय में बिठाने के कारण हमारे उस पूर्व जन्म की स्मृति के ऊपर एक धूल जम जाती है, धूल। और जानते हो धूल कौन मिटाता है? वो धूल सदगुरु मिटाते हैं, वो धूल कोई महापुरुष मिटाता है, वो धूल कोई वीतराग महापुरुष मिटाता है। भरत जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। भरत जी कोई कार्य नहीं करते थे, कोई कार्य। भरत जी को पढ़ाने की बहुत चेष्टा की गई लेकिन भरत जी नहीं पढ़े। भरत जी को गुरुकुल भेजा गया, दुकान बिठाया गया, लेकिन भरत जी का मन कहीं नहीं लगता। भरत जी के बड़े भाई ने विचार किया कि निठल्ला है, ये कोई काम तो करता है नहीं, क्योंकि भरत जी ने अपना जीवन ऐसा बना लिया, न तो नहाते थे न धोते थे, कई कई दिनों तक भूखे रहते थे और कई कई दिनों तक बहुत ज्यादा भोजन भी कर लेते थे। एक अवधूत जैसी अवस्था भरत जी की हो गई थी, ना किसी से बोलते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। एक बार उनके बड़े भाई ने विचार किया कि ये हैं तो जड़ भरत, जड़ की तरह हैं, पत्थर की तरह हैं, ये कोई काम का तो है नहीं, इसे खेत की रखवाली के लिए रख देते हैं। खेत की रखवाली के लिए भरत जी को रख दिया। अब भरत जी जैसा खेत की रखवाली में क्या होता है, जब भी कोई चिड़िया कबूतर पक्षी आता है तो हम पत्थर फेंक कर गुलेल, पुराने जमाने में गुलेल मारते थे, गुलेल फेंक कर और हम उसे उड़ाते हैं। लेकिन भरत जी जैसा वीतराग पुरुष भला किसी को कष्ट दे सकता है। भरत जी को बिठा दिया, भरत जी को देख कर चिड़िया उड़ने लगी तो भरत जी मन ही मन उन चिड़ियों को बुलाने लगे कि आओ चिड़ियों आओ, अरे चिड़ियों आओ, ये तो राम जी का खेत है, भर भर दाना खाओ, आओ चिड़ियों राम जी का खेत, ऐसा कुछ कहते हैं, भर भर दाना खाओ। चिड़ियां भरत जी की बात समझ गई और वे सारे चिड़ियां कबूतर आए, पूरे खेत के दाने साफ कर दिए। सांझ पड़ी, भरत जी के भाई आए कि अरे तुझे तो रखवाली के लिए रखा था, ये क्या तूने तो पूरा खेत साफ कर दिया, मार कर और भरत जी को घर से बाहर भगा दिया महाराज। भरत जी जाकर वन में रहने लगे। अब भरत जी की मस्ती का आनंद अलग होने लगा। मस्ती जो होती है फकीरों की और मस्ती जो होती है वीतराग पुरुषों की, वो उन्हें कहां लेकर के जाती हैं ये कोई नहीं जान सकता। जो अलमस्त होते हैं ना, अलमस्त, अलमस्त किसे कहते हैं,
जो अपने ही आनंद में मस्त रहता है। अपने ही आनंद में सदैव मस्त रहना और अपने ही आनंद में सदैव निमग्न रहना, उसे कहते हैं फकीर। हद तपेसो औलिया, बेहद तपेसो पीर, और हद बेहद दोनों तपे ताको नाम फकीर। भरत जी जंगल में रहकर और अपनी मस्ती में ही विचरण करने लगे और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद देने लगे कि हे प्रभु, तूने मुझ पर बड़ी कृपा की। अरे आज तेरा ये आनंद, तेरी ये मस्ती मुझे लेकर कहां आ गई, मुझे कहां लेकर के आ गई। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, कहां लेके आई, कहां लेके आई। ये आप लोगों की मस्ती ही तो है, परमात्मा को वो आनंद ही तो है जो आपको चाणक्य नगर से उठाकर, गोकुल धाम से उठाकर, चौखा गांव से उठाकर और चांदना भाखर से उठाकर यहां लेकर के आया है महाराज। आइए बड़े प्रेम और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए फकत में ही मैं हूँ, सभी में फकत में ही मैं हूँ, सभी में
अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मर्जी कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मर्जी कहाँ लेके, कहाँ लेके, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मर्जी कहाँ लेके आई, कहाँ लेके, कहाँ लेके आई। भरत जी महाराज जंगल में विचरण करने लगे। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, महापुरुषों के जो कार्य होते हैं वो बड़े अलग होते हैं, बड़े अलग। महापुरुष जो करते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, वैसे वे होते नहीं हैं, और जो वो होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। महापुरुषों की कथनी और करनी में बड़ा भेद होता है, बड़ा भेद। एक दिन भरत जी महाराज जंगल में विचरण कर रहे थे कि किसी चोरों के सरदार के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि सरदार ने आदेश दिया सेवकों को कि जाओ और जंगल में जो कोई भी नर मिले उसे पकड़ कर लाओ, आज हमें हमारी कुलदेवी को बलि देनी है, नर बलि। उन्हें भरत जी मिल गए, उन्होंने भरत जी को पकड़ा और पकड़कर उस आदिवासियों के सरदार के पास लेकर गए। गए भरत जी को नहलाया गया, धुलाया गया, अच्छे अच्छे उत्तम वस्त्र पहनाए गए और भरत जी को 56 भोग का व्यंजन परोसा गया। भरत जी ने सब कुछ बड़ी शांति से किया। अब भरत जी को ये भी पता नहीं कि ये जो पकड़ कर लाए हैं ये कौन है, क्यों लाए हैं, क्यों मुझे नहला रहे हैं, क्यों धुला रहे हैं, क्यों इतने बढ़िया वस्त्र पहनाए, इतने बढ़िया भोजन ये करवा रहे हैं। जो जो वे भरत जी को आदेश देते भरत जी वही करते। क्यों? क्योंकि भरत जी ने अपनी रजा को परमात्मा की रजा में मिला दिया था। और ध्यान रखना, जब जब भी कोई मनुष्य अपनी रजा को परमात्मा की रजा में मिला देता है तो उसके सारे काम वो परमात्मा स्वयं करता है। भरत जी को उठाकर और ले जाया गया उस बलि के स्थान पर। बहुत बहुत बड़ी एक भगवती महाकाली की मूर्ति जो उन आदिवासियों की कुल देवी थी वहां पर थी। बलि के स्थान पर भरत जी को बिठाया गया और ज्यों ही भरत जी का सिर नीचा किया और उन चोरों के सरदार ने ज्यों ही खड्ग उठाया अपने हाथ में बलि देने के लिए, उसी समय बादल गरजने लगे, मेघ गर्जना होने लगे। ज्यों ही उन चोरों के सरदार ने भरत जी के सिर पर वार करना चाहा, उसी समय उस मूर्ति में से भगवती महाकाली प्रकट हो गई। महाकाली ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुलाय, रूप भयंकर प्रकट कर बारंबार उठाए। भगवती काली स्वयं प्रकट हो गई और उस काली ने उस चोर के सरदार के हाथ से वो खड़ग छीन लिया और एक ही वार में उस आदिवासी सरदार का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर भी भरत जी के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। भगवती काली ने स्वयं दोनों हाथ नीचे कर और अपने पुत्र भरत को उठाया, लाड़ दुलार किया और छोड़ दिया। काली पुनः मूर्ति में अंतर ध्यान हो गई। लेकिन भरत जी के जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सुखदेव मुनि कहने लगे कि हे राजन, महापुरुषों की जीवन की जो शैली होती है बड़ी विचित्र होती है, बड़ी विचित्र होती है। एक बार सौवीर देश के राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि से मिलने के लिए पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहे थे। उसी जंगल से राजा रहुगण निकले जिस जंगल में जड़ भरत किसी वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। चलते चलते राजा रहुगण जिस पालकी में बैठे थे उसमें चार कहार थे। एक कहार की तबीयत खराब हो गई। राजा रहुगण ने आदेश दिया कि जाओ, जो कोई भी व्यक्ति आपको मिले उसे लेकर के आओ और पालकी में लगा दो। सैनिक ढूंढते ढूंढते गए और उन्हें जड़ भरत जी मिल गए।
जाकर उन्होंने भरत जी को कहा उठो, भरत जी उठ गए, कहा चलो, भरत जी उनके साथ साथ चलने लगे। जाकर के उन तीनों कहारों ने भरत जी को राजा रघुगुण की पालकी में कहार के रूप में लगा दिया। अब राजा रघुगुण पालकी में बैठे हैं, भरत जी ने पालकी को कंधे पर उठाया और चल पड़े। चलते चलते महाराज रास्ते में अगर कोई छोटी सी चींटी भी आती तो भरत जी उछल पड़ते, क्योंकि भरत जी से तो चींटी का दुख भी देखा नहीं जाता। कोई छोटा सा मकोड़ा आता तो भरत जी अपना पांव उछलकर और आगे बढ़ते। जब जब भरत जी उछलते तब तब राजा रघुगण जो भीतर बैठा था उसका सिर पालकी से टकरता और उसे चोट लगती। दो तीन बार जब ऐसा हुआ तब राजा रघुगण ने क्रोध में भरकर के कहा कि अरे ये कौन मूर्ख है। सैनिक का हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे राजन, ये जो अभी अभी नया कहार जो हमने लगाया है ना, ये बार बार उछल कूद कर रहा है। राजा रघुगण क्रोध में भरकर और भरत जी को कहने लगे कि अरे मूर्ख, तू जी रहा है या मरा हुआ है? तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि राजा की पालकी को कैसे ढोया जाता है, कैसे राजा के साथ व्यवहार किया जाता है? ज्यों ही जड़ भरत ने राजा रघुगण के ये शब्द सुने, जड़ भरत ने पालकी को वहीं पर रख दिया और जड़ भरत कहने लगे कि हे राजन, तुमने जो कुछ भी कहा है वह शरीर के लिए कहा है, और सावधान राजन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। ज्यों ही राजा रघुगण ने ऐसे ब्रह्म तेज से भरे हुए वचन सुने और राजा रघुगण तो पालकी से बाहर आ गया। भरत जी राजा रघुगण को कहने लगे कि हे राजन, ये तुम्हारे मन में भेद है कि तुम राजा हो और हम प्रजा हैं। अरे मेरे मन में तो कोई भेद नहीं है, मैं तो ये जानता हूं कि परमात्मा के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में हम सब जीव एक समान हैं। हे राजन, तुम में भी वही आत्मा है, मुझ में भी वही आत्मा है, और जिस चींटी को देखकर मैं उछल पड़ा था उस चींटी में भी वही आत्म तत्व है। इस प्रकार जब राजा रघुगण ने हृदय की ग्रंथि को छेड़ने वाले शब्द सुने, राजा रघुगण तो तत्काल पालकी से कूदकर और भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। राजा रघुगण का राजमद चूर चूर हो गया। राजमद होता है ना, राजमद माने राज्य प्राप्त करने का अहंकार, वो राजमद चूर चूर हो गया। और राजा रघुगण भरत जी को प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे महापुरुष, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैंने आपको समझने में बड़ी भूल की है, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे महापुरुष, आपके से कटि भाग पर यज्ञोपवीत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए कोई महापुरुष हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? क्या आप मरीचि आदि ऋषियों में से तो कोई नहीं है, या दत्तात्रेय आदि आप कोई अवधूत तो नहीं है? आप किसके पुत्र हैं? आप कहां से आए हैं? आप किसके लिए आए हैं? या साक्षात कपिल भगवान ही तो रूप बदलकर मुझ पर कृपा करने के लिए यहां पर नहीं आ गए? जड़ भरत कहने लगे कि हे राजन, जब तक इस मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तब ये मन इस जीव को विषयों में डाल देता है, और फिर जब किसी गुरु की कृपा से ये मन विषयहीन हो जाता है, विषय से रहित हो जाता है, तब वो मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। जिस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए राजा रघुगण अपने राज्य से निकले थे, वो आत्म तत्व का बोध तो मार्ग में ही जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को दे दिया। राजा रघुगण भरत जी के चरणों में गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे महापुरुष, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आज आपने मुझे मेरी आत्मा का बोध करवा दिया, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। भरत जी को प्रणाम कर और राजा रघुगण वहीं से प्रस्थान कर गए। कौन था ये राजा रघुगण जिसे देखकर वो जड़ भरत जो जीवन भर किसी से नहीं बोले, अपने भाइयों से नहीं बोले, बहनों से नहीं बोले, रिश्तेदारों से नहीं बोले, उन्हें काली के सामने पेश किया गया वहां पर नहीं बोले,
ये ऐसा कौन सा रिश्ता था कि जिस रिश्ते के वशीभूत राजा रहुगण को उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। भागवत कथा ये कहती है कि वो राजा रहुगण कोई और नहीं, वो वही पुराने जन्म का हिरण का बच्चा था जो इस जन्म में राजा रहुगण बनकर भरत जी के सामने आकर के खड़ा हो गया था। और पुराने जन्म के प्रेम के कारण भरत जी का अति स्नेह उस राजा पर उमड़ पड़ा और भरत जी ने उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया। कई बार हमें भी अपने जीवन में ऐसा लगता है ना कि किसी व्यक्ति को देखकर और हमें जीवन में लगता है कि क्यों ना हम इससे मित्रता कर लें, क्यों ना हम इससे कोई संबंध बना लें, क्यों ना हम इसे आलिंगन कर लें, क्यों ना हम इसके साथ ही बैठे रहें, अरे इसका साथ हमें सदैव मिलता रहे, लगता है ना। जब कभी ऐसा लगे तो सावधान, समझ लेना कि वो कोई पुराने जन्म का रिश्ता है जिसे देखकर मन में प्रेम उमड़ पड़े। कई बार कई रिश्ते ऐसे होते हैं महाराज कि जिन रिश्तों को कोई नाम नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी वे रिश्ते इतने प्रगाढ़ रूप से काम करते हैं कि मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। भगवान कृष्ण को ही देखो ना, जन्म कहां लिया? मथुरा के काल कोठरी में। जन्म किसने दिया? देवकी ने। पिता कौन कहलाए? देवकी और वासुदेव। लेकिन पालन पोषण कहां हुआ? कहां हुआ? गोकुल में, नंद बाबा और यशोदा के यहां। कौन सा रिश्ता था? माता पिता से तो रिश्ता एक ही होता है ना, क्या किसी के दो दो माता पिता होते हैं? होते हैं, होते हैं महाराज, मेरे भी हैं। मुझे भी मेरे जीवन में दो दो माता पिता का सौभाग्य मिला है महाराज, दो दो माता पिता। एक माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया फलोदी की धरती पर, और एक वे माता पिता। देखिए, फलोदी मेरी जन्मभूमि है और जोधपुर मेरी कर्म भूमि है। पिछले 15 वर्ष से भगवती माँ चामुंडा की कृपा से जोधपुर मेरी कर्म भूमि बनी है। लेकिन जब से ये शरीर इस जोधपुर की धरती पर आया, तब ही प्रथम दिवस से ही मुझे यहाँ कोई नहीं जानता था, मैं भी किसी को नहीं जानता था। न जाने कहाँ से देव योग से एक देवी मेरे घर पर आई, मुझसे मुलाकात हुई और एक माँ की तरह प्रथम दिवस से उन्होंने मुझे स्नेह देना आरंभ किया। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज मैं व्यास पीठ पर बैठा हूं। जन्म की माँ बाप का आशीर्वाद तो है, लेकिन उनके साथ साथ कर्म के इस कर्म भूमि के माँ बाप का आशीर्वाद भी मेरे साथ में। और मेरे कर्म भूमि के मेरे माँ बाप श्री नटवर जी थानवी और श्रीमती मंजू लता जी यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि वे एक बार खड़े हुए और आप सब उनका अभिवादन करें एक बार मुझे आशीर्वाद देने के लिए। ये प्रसंग अगर आज मैं नहीं छेड़ता महाराज तो मैं अपने जीवन के साथ अन्याय करता है, क्योंकि जो पौधा जिन जड़ों के सहारे खड़ा होता है ना, अगर वो पौधा, वो पेड़ और वो फूल अगर अपनी जड़ को भूल जाए तो समझ लो इससे बड़ा अपराध जीवन में हो नहीं सकता। मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी मेरे जीवन में दो दो मां बाप दिए। राजा रहुगण के प्रति पूर्व जन्म के स्नेह के कारण भरत जी महाराज का स्नेह उमड़ पड़ा और उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के होते हैं और उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उनके दूत मृत प्राणियों को पकड़ करके लाते हैं और उनको अपने अपने दुष्कर्मों के अनुसार अनेक अनेक योनियों में नरक यातना भोगने के लिए उन्हें भेज देते हैं। ये नरक 21 प्रकार के होते हैं, 21 प्रकार के। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोगों से जब ये जीवात्मा मुक्त हो जाती है, जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पाप और पुण्य कर्मों को लेकर ये जीवात्मा पुनः किसी माँ के उदर में प्रवेश करता है और उसे नया जीवन प्राप्त होता है, नया जीवन।
लेकिन इस धरती पर उसी मनुष्य का जन्म सार्थक है जो मनुष्य इस धरती पर मनुष्य तन धारण कर और भगवान की भक्ति का आनंद ले। इस मन को हमेशा परमात्मा के साथ जोड़ करके रखे, फिर वो व्यक्ति बाहर से तो साधारण पुरुषों की तरह दिखाई देता है लेकिन भीतर से वो भी भरत जी की तरह फकीर ही होता है। जिसका मन फकीरी में लग जाता है और जिसका मन भगवान के चिंतन में लग जाता है, फिर उसके संसार के सारे कार्य महाराज वो परमात्मा ही करते हैं। और भगवान कृष्ण भी तो गीता में यही कहते हैं ना, सर्व धर्मान परित्यजम माम एकम शरणम ब्रज। हे पार्थ, तू सारे धर्मों का परित्याग कर मुझ वासुदेव की शरण में आ। अहत्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्ष यस्यामि मा शुचः। मैं तुझे तेरे सारे कर्मों से मुक्त करके और तुझे पवित्र कर दूंगा। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा मन, हमारा चित्त और हमारा हृदय भगवान के ध्यान में और भगवान के भजन में लगेगा। महाराज, भगवान के भजन में मन लागो
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जो कोई मनुष्य मनसा वाचा और कर्मणा अपने आप को श्री हरि के प्रति समर्पित कर देता है, उसके जीवन के सारे कार्य वो प्रभु करते हैं। भरत जी की लीला का गुणगान सुनाते हुए वेद व्यास जी ने यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद को विराम दे दिया। आइए बड़े प्रेम और भाव से दोनों हाथ खड़े करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो छठा स्कंद है उसे कहते हैं पोषण लीला। पोषण, पोषण माने पुष्टि करना। भगवान जिस संसार को बनाते हैं या जिस संसार की रचना भगवान के द्वारा होती है, उस संसार का पालन पोषण और उस संसार का रक्षण भी भगवान ही स्वयं करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, प्रत्येक मनुष्य भगवान के भक्तों की सेवा से भगवान को अपने प्राण अर्पण करके जैसा पवित्र होता है, वैसा तप आदि से पवित्र नहीं होता। हे राजन, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान देकर के सुनो। हे राजन, पुराने जमाने में कान्यकुब्ज नगर, जिसे आजकल कन्नौज नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर अजामिल नाम का एक वेदवादी ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण वेद शास्त्रों में निपुण था, वेदों का मर्मज्ञ था, सारे पुराणों का ज्ञाता था। एक दिन अजामिल हवन की समीधा लेने के लिए वन की ओर निकला। वहां पर उसने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक कोई शूद्र मदिरा पान करते हुए किसी वैश्या के साथ गमन कर रहा है। जौ ही अजामिल ने उस दृश्य को देखा, अजामिल के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया। समीधा लेकर वो घर तो आ गया, लेकिन बार 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 अजामिल की आंखों के आगे वो दृश्य मंडराने लगा। अजामिल से रहा नहीं गया, दौड़ा दौड़ा गया अजामिल उस वैश्या के पास और जाकर अजामिल ने उस वैश्या से संबंध स्थापित कर लिया। संबंध स्थापित कर उस वैश्या को अजामिल अपने घर लेकर के आ गया। अब अजामिल उस वैश्या के साथ सदैव भोग में रत रहने लगा। अजामिल के सारी पूजा पाठ तप ध्यान अग्निहोत्र सब विलुप्त हो गए। बस केवल उस वैश्या की सेवा करना, वैश्या के साथ रमण करना। धीरे 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 उसकी वृत्तियां इतनी बदल गई महाराज, इतनी बदल गई कि अजामिल चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा और अपना एक गुट बनाकर, और अजामिल बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, लेकिन भगवान का भक्त था ना। पूर्व काल में उसने भगवान के यज्ञ तप और बहुत सारे अनुष्ठान किए हुए थे। समय बीतता गया और एक दिवस अजामिल के घर पर कुछ साधुओं की टोली आई। अजामिल कोई काम से बाहर गए हुए थे और वो जो वैश्या जो अजामिल के घर आकर रही, अजामिल के घर के वातावरण के प्रभाव से उसके भीतर भक्ति भाव जागृत हो गया। देखिए, संगत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर होता है महाराज, बहुत बड़ा असर। संगत किनकी करें, कैसे लोगों के संग में रहें, किन लोगों के साथ उठें, किन लोगों के साथ बैठें, किन लोगों के साथ में हम रहें महाराज, इसका हमारे जीवन में बड़ा असर होता है, बड़ा असर होता है। संग ही आदमी को ऊंचा ले जाता है और संग ही आदमी को नीचे गिरा देता है। संग का दोष बड़ा दोष कहा गया, बड़ा दोष। नीति शास्त्र में
और अनुभवी लोग तो ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को किसी बहुत बड़े आदमी का संग भी सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि न जाने क्या पता वो बड़ा आदमी है कब उसका माथा घूम जाए और कब क्या आदेश दे दे। जिस तरह बड़े व्यक्तियों से सोच समझ कर संग करना चाहिए, उसी तरह बालकों से भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। बालकों के साथ कभी भी एक समय सीमा के बाहर आप मस्ती ना करें, यह भागवत सिखाती है। एक और बात, किसी भी चंचल नारी के साथ में ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, यह शास्त्र कहता है। चंचल नारी, कौन चंचल नारी? जो बात बात पर हंसी मजाक करे, बात बात पर उनके साथ ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। अनुभवी लोग ये कहते हैं, बाल से आल बड़ों से विरोध की चंचल नारी से ना हंसी है। चंचल नारी के साथ ज्यादा हंस हंस कर बातें नहीं करनी चाहिए, न जाने कब आपके मन में विकार पैदा हो जाए और आपका जीवन पटरी से नीचे उतर जाए। बाल से आल बड़ों से विरोध की चंचल नारी से ना हंसिए, ओछे की प्रीत गुलाम की संगत ओघट घाट पे ना बसिए। उस गांव में जाकर कभी निवास मत करना या उस नदी किनारे कभी शयन मत करना जिस नदी के कोई घाट बंधे हुए ना हो। न जाने कब रात को कहीं से बाढ़ का रेला आ जाए और आपको बहा ले जाए। संग के दोष ने अजामिल का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन प्रभु की कृपा हुई। कोई संतों की टोली चातुर्मास करके लौट रही थी, उन्हें उस गांव में विश्राम लेना था, भोजन पाना था। संत गए और पूछने लगे कि भाई यहां पर किसी वेदवादी ब्राह्मण का कोई घर हो तो हम वहां पर भिक्षा पालें। वहां पर गली में खेलते हुए कुछ उदंड बालकों ने यह कह दिया कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, जबकि वो जानते थे कि अब वो ब्राह्मण नहीं रहा। कहा कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, वो बड़ा विद्वान है, आप उनके घर जाएंगे तो आपको भिक्षा मिल जाएगी। सारे ब्राह्मण गए, साधु संत अजामिल के घर के आगे जाकर खड़े हो गए और आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। दौड़ी दौड़ी आई अंदर से अजामिल की वो वैश्या पत्नी, द्वार पर साधुओं को आए हुए देखा, अनुनय विनय करके घर के भीतर लाई, साधुओं का पूजन किया, चरण धोए और उनके लिए बड़े बड़े सुंदर व्यंजन बनाए, पाट लगाकर थाली लगाकर उन्हें भोजन करवाया। जब वे भोजन करके निवृत्त हो चुके, उसी समय अजामिल ने घर में प्रवेश लिया। अजामिल ने देखा कि अरे आज मेरे घर में ये साधु संत कहां से आए हैं। चूंकि अजामिल की वृत्तियां बदल चुकी थी, इसलिए अजामिल उन्हें खोटे खरे वचन सुनाने लगा। वे साधु संत कहने लगे कि अरे भाई अजामिल, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमने आपके घर का अन्न ग्रहण कर लिया, लेकिन शास्त्र नियम यह है कि जिस किसी भी ब्राह्मण को या गुरु को भोजन कराओ तो उसे दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, इसलिए अब तुम हमें दक्षिणा दे दो तो हम यहां से विदा हो जाएं। अजामिल कहने लगा कि मेरे पास दक्षिणा वगैरह कुछ भी नहीं है, बस आपने भोजन ले लिया, आप यहां से प्रस्थान करें। वे साधु बाबा कहने लगे कि नहीं अजामिल, बगैर दक्षिणा लिए तो हम जाएंगे नहीं, तू एक काम कर, दक्षिणा में हमें धन मत दे, वस्त्र मत दे, बस एक वचन दे दे, और वो वचन ये कि हमने देख लिया है कि तेरी पत्नी अभी सगर्भा है। उनकी नजर उस वैश्या के उदर पर पड़ी, पांचवा सातवां महीना चल रहा था, अनुभवी लोग पहचान लेते हैं। कहा कि तेरी पत्नी सगर्भा है, तू एक वचन दे दे कि इस बार जो तेरी संतान होगी, अगर पुत्र संतान हुई तो तू उनका नाम हमारे कहने से रखेगा। अजामिल की पत्नी बड़ी राजी हुई, कहने लगी कि हां साधु बाबा, मैं अपने पति के साथ आपको वचन देती हूं, आप बताइए उसका नाम क्या रखना है। और जानते हो उन्होंने क्या नाम बताया? क्या बताया? जोर से बोलो ना, जोर से बोलिए ना, आप लोगों को पता नहीं है, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए, नारायण।
कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। जानते हो पुराने जमाने में भगवान के नाम पर इसीलिए बालकों का नाम रखते थे कि नारायण नारायण, गोविंद गोविंद, माधव माधव, राम राम कहते कहते और आपके जीवन की शाम हो जाए और उस एक नाम से आपका जीवन तर जाए, इसीलिए पुराने जमाने में भगवान के नाम पर रखते थे। साधु बाबा वचन लेकर चले गए। समय बीतता रहा। अजामिल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम रखा गया, मैं नहीं बोलूंगा क्या नाम रखा, नारायण, नारायण नाम रखा। उस पुत्र से अजामिल को इतना मोह हो गया, इतना मोह कि बार बार चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नारायण 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 नारायण। अजामिल के मुख पर केवल वही नाम रहता। समय बीतता गया, काल की महिमा। एक दिन अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए और अजामिल सो रहा था। जो ही उसने यम के दूतों को आता हुआ देखा, बड़े भयंकर विकराल दांत, बड़े बड़े सींग और हाथ में यम पास लेकर वे यम के दूत अजामिल को पकड़ने के लिए आए। घबराकर अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा जोर से, नारायण नारायण नारायण। और जो ही अजामिल ने कहा नारायण, उसी समय वहां पर भगवान नारायण के दूत प्रकट हो गए और उन्होंने मार मार कर यम के दूतों को भगा दिया। यम के दूतों को मार मार कर भगा दिया। यम के दूत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या लीला हो गई। दौड़े दौड़े गए यम के दूत यमराज के पास और जाकर कहने लगे कि हे देव, हम तो आपकी आज्ञा लेकर और उस पापी दुष्ट उस लुटेरे अजामिल की आत्मा को लेने के लिए गए थे, लेकिन न जाने क्यों अचानक वहां पर श्री हरि के दूत प्रकट हो गए, देव दूत, और देखो ना उन्होंने हमें मार मार कर हमारी क्या हालत कर दी। यमराज ध्यान देकर देखने लगे कि अरे ये अजामिल तो बड़ा पापी था, इसे तो कई कई जन्मों तक नरक की यातना भोगनी थी, भला देवदूत कैसे प्रकट हो गए। उसी क्षण यमराज को सारी घटना याद आई और यमराज अपने दूतों से कहने लगे कि हे दूतों सावधान, इस मृत्यु लोक में और इस धरती पर और इस संसार में अगर कोई जीवात्मा कोई मनुष्य भूल से भी अगर एक बार नारायण नाम अपने मुंह से उच्चारण कर ले तो वो यमलोक का नहीं वैकुंठ लोक का अधिकारी बन जाता है, वैकुंठ लोक का अधिकारी बन जाता है। देव यम के दूत कहने लगे कि हम तो ये सोच रहे थे कि इस मृत्यु लोक के देवता आप हैं, इस मृत्यु लोक पर आपका ही अधिकार है। यमराज कहने लगे कि नहीं, मेरे अधिकार की एक सीमा है, जहां मेरी सीमा खत्म होती है वहां मेरे श्री हरि की सीमा आरंभ होती है। अजामिल ने मन में विचार किया कि केवल और केवल पुत्र के मोह के वशीभूत होकर एक बार नाम लेने से हरि के दूत प्रकट हो गए, अगर यही नाम मैंने जीवन पर्यंत लिया होता तो आज तक तो मेरा कल्याण हो गया होता, मेरा उद्धार हो गया। यही तो हमें भागवत सिखाती है कि सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते और खाते पीते हम हृदय में उस गोविंद का ध्यान करें, हम हमारे इस घट में और हमारे हृदय में हम श्रीनाथ जी को विराजमान करें, गोविंद को विराजमान करें। लेकिन महाराज विडंबना तो ये है कि हम घट में संसार को विराजमान करते हैं और जुबान पर हरि का नाम रहता है, जबकि होना यह चाहिए जुबान पर तो संसार और हृदय में गोविंद होना चाहिए। जिन भक्तों के हृदय में गोविंद का निवास रहता है ना, उन भक्तों के हृदय में सदैव हरि रमण करते हैं, रमण करते। तभी तो हमारे वैष्णव कहते हैं, जो वैष्णव जन है ना जिन्होंने पुष्टि मार्ग से दीक्षा ली है, कितने लोग यहां पर हैं जिन्होंने पुष्टि मार्ग से दीक्षा ली है, बहुत कम लोग हैं। वैष्णवों का एक बड़ा प्रिय पद है,
वैष्णव सदैव अपने हृदय में श्रीनाथ जी की झांकी को ही विराजमान करके रखते हैं और नाचते गाते हुए केवल और केवल यही कहते हैं कि मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी और महाप्रभु जी, महाप्रभु जी। अब जिन जिन को वाकई में अपने हृदय में श्रीनाथ जी को विराजना है और वाकई में जिनके हृदय में श्रीनाथ जी हैं, जिनके हृदय में श्रीनाथ जी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आसन पर बैठे रहेंगे। आइए बड़े प्रेम और भाव से, क्योंकि आज वो आने वाले हैं ना, कौन? श्रीनाथ जी, वो सांवला सलोना, वो मुकुंद माधव, वो बिहारी, वो नटखट बनवारी गिरधारी प्रकट होने वाला है हमारी कथा में। वो प्रकट हो उससे पहले आइए उसे हम पुकारते हैं। मरु मनिड़ो छे गोकुल वनरावन मारे तनिना आंगणिया मा तुलसी नावन मारा प्राण जीवन हे मारा खटमा श्रीनाथ जी।
जी महाप्रभु जी हे मारा घट माता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। और यहीं पर वेद व्यास जी ने छठे स्कंद को विराम दे दिया। आइए बड़े प्रेम और भाव से हरे राम 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 हरे हरे